गौर से सुनना किस तरीके से आपके एग्जाम में, आपके कम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा जा सकता है साथियों कि जो एथाइलिन हार्मोन है, इस हार्मोन की खोज किसने की? तो साथियों राइट आंसर देना है, बर्ग नामक वैज्ञानिक ने साथियों एथाइलिन हार्मोन की खोज की। देखिए दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है साथियों कि एकमात्र पादप हार्मोन जो साथियों गैसीय अवस्था में पाया जाता है, तो गाइज इसका राइट आंसर होगा एथाइलिन हार्मोन, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि जो एथाइलिन हार्मोन है साथियों, यह भैया एकमात्र ऐसा हार्मोन है जो भैया गैसीय अवस्था में पाया जाता है। तीसरा नंबर का क्वेश्चन क्या आता है साथियों, वो देखिए कि भैया प्राकृतिक रूप से फलों को पकाने में कौन सा पादप हार्मोन सहायक होता है, या फिर कौन सा हार्मोन सहायक होता है? तो गाइज आपको राइट आंसर देना है, एथाइलिन हार्मोन सहायक होता है। चौथा क्वेश्चन देखिए साथियों, कृत्रिम रूप से यानी कि आर्टिफिशियल तरीके से फलों को पकाने में कौन सहायक होता है? तो साथियों कौन सहायक होता है, एसिटिलीन और साथियों कार्बाइड, ये दोनों भैया फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में सहायक होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए साथियों, अगला क्वेश्चन क्या पूछता है आपसे आपके एग्जाम में, अगला क्वेश्चन पूछता है कि निम्न में से कौन सा हार्मोन पादपों की श्वसन क्रिया में सहायक होता है? तो राइट आंसर कौन सा होगा, एथाइलिन हार्मोन। या फिर आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है साथियों कि निम्न में से कौन सा हार्मोन पादपों में श्वसन की प्रक्रिया को बढ़ाने में हेल्प करता है? तो भैया एथाइलिन हार्मोन करता है। देखिए साथियों कितने सारे क्वेश्चन हो गए। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है साथियों कि कम समय में अधिक फलों के निर्माण के लिए कौन सा हार्मोन हेल्पफुल होता है साथियों? तो भैया एथाइलिन हार्मोन हेल्पफुल होता है। इतने सारे क्वेश्चन साथियों आपसे आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। हाय, कैसे हो आप? आशा करता हूं सभी अच्छे से होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। गाइज जैसा कि आपने थंबनेल और टाइटल में देखा, आज किस वीडियो में बात करने वाले हैं प्लांट हार्मोन के बारे में। गाइज प्लांट हार्मोन की एक क्लास कंप्लीट हो चुकी है, आज हमारी ये प्लांट हार्मोन की दूसरी क्लास है। हेडिंग लगा लेना भैया, प्लांट हार्मोन, प्लांट हार्मोन हिंदी में कहा जाता है साथियों पादप हार्मोन। क्या होते हैं पादप हार्मोन? गाइज पादप हार्मोन पादप की वृद्धि और विकास में सहायक होते हैं। जिस तरीके से साथियों हमारी बॉडी में हार्मोन जो होते हैं वो सेल, टिश्यू और ऑर्गन की ग्रोथ करते हैं, ठीक उसी प्रकार साथियों पादपों में भी हार्मोन पाए जाते हैं जिन्हें पादप हार्मोन कहा जाता है, और ये पादप हार्मोन पादपों की ग्रोथ और डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। तो साथियों मैंने कल आपको बताया था, पहला पॉइंट यही था कि भैया ग्रोथ और डेवलपमेंट यानी कि वृद्धि व विकास, डेवलपमेंट यानी कि विकास में सहायक होते हैं साथियों कौन भैया, आपके प्लांट हार्मोन। पहली बात आपको समझ में आई कि साथियों जो पादप हार्मोन होते हैं ये पादपों में वृद्धि और विकास में सहायक होते हैं, यानी कि ग्रोथ और डेवलपमेंट करवाते हैं। कल मैंने आपको ये बता दिया था। अगला पॉइंट मैंने आपको लिखवाया था साथियों कि जो प्लांट हार्मोन होते हैं साथियों ये भैया ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं यानी कि कार्बनिक यौगिक होते हैं, कार्बनिक यौगिक होते हैं। दूसरा पॉइंट आपको समझ में आया। तीसरी चीज मैंने आपको यह बताई थी साथियों कि भैया पादप हार्मोन की संख्या कितनी होती है, तो भैया पादप हार्मोन की संख्या होती है भैया 7। कितनी होती है? अगर कोई आपसे पूछे कि पादप हार्मोन की संख्या कितनी होती है, तो भैया 7 होती है। 7 भी साथियों दो भागों में बटे हुए होते हैं, यानी कि 7 जो हार्मोन है साथियों ये भैया दो भागों में बटे हुए होते हैं। नंबर 1 पर आता है 5 हार्मोन और नंबर 2 पर आता है साथियों 2 हार्मोन। जो 5 हार्मोन है साथियों इन्हें भैया प्राइमरी या फिर प्राथमिक हार्मोन कहा गया है। क्यों कहा गया है इन्हें प्राथमिक हार्मोन? क्योंकि साथियों ये सभी प्रकार के पादपों में पाए जाने वाले हार्मोन है, और साथियों इन दो हार्मोनों को द्वितीयक हार्मोन कहा गया, यानी कि सेकेंडरी हार्मोन कहा गया है। क्यों कहा गया है भैया? क्योंकि ये जरूरी नहीं है साथियों कि ये सभी पादपों में हो,
ये साथियों कुछ कुछ पादपों में होते हैं, यही कारण है साथियों कि इन्हें द्वितीयक हार्मोन कहा गया है और इन्हें प्राथमिक हार्मोन कहा गया है। ये पांच हार्मोन कौन से हैं और साथियों ये दो हार्मोन कौन से हैं, कल मैंने आपको बहुत अच्छे से रिवीजन करवाया था, एक बार और बता देता हूं साथियों। नंबर वन पर आता है साथियों ऑक्सिन हार्मोन, नंबर दो पर आता है साथियों साइटोकाइनिन हार्मोन, नंबर तीन पर आता है साथियों एथाइलिन हार्मोन, नंबर चार पर आता है साथियों एब्सिसिक एसिड हार्मोन साथियों, और नंबर पांच पर आता है भैया जिबरलिन हार्मोन। ये पांच ऐसे हार्मोन है साथियों जो भैया प्राथमिक हार्मोन है, जिनमें से साथियों हमने ऑक्सिन हार्मोन और साइटोकाइनिन हार्मोन कल बहुत डिटेल में पढ़ लिया था। इन दोनों हार्मोनों की बात करो साथियों तो नंबर एक पर आता है भैया ट्रांसम्यूरिन हार्मोन, और नंबर दो पर आता है साथियों फ्लोरीजिनस हार्मोन। ये है भैया आपके सात हार्मोन, ये सातों हार्मोन आपको याद करने हैं। ये तो मैंने साथियों आपको कल की बात बताई थी जो मैंने कल आपको पढ़ाया था। कल हमने कौन कौन सा हार्मोन पढ़ लिया था, ऑक्सिन हार्मोन और साइटोकाइनिन हार्मोन पढ़ लिया था। इनके नाम याद कर लेना साथियों, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए साथियों। अब हम पढ़ने वाले हैं नंबर तीन पर एथाइलिन हार्मोन। कौन से हार्मोन के बारे में भैया, एथाइलिन हार्मोन के बारे में। गाइज अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना जिससे आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। गाइज मेरा नाम रवि है, मैं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब चैनल पर बायोलॉजी पढ़ाता हूँ, इस बात का आपको ध्यान रखना है। जो भी अपना भाई बंधु है साथियों पढ़ने वाला, उसके पास साथियों ये वीडियो आप शेयर कर सकते हो, क्योंकि साथियों भला करने में कोई बुराई नहीं है, बात क्लियर है। तो तीसरे नंबर पर कौन सा हार्मोन पढ़ेंगे हम, एथाइलिन हार्मोन। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है साथियों, याद रखना प्लांट हार्मोन एक ऐसा चैप्टर है साथियों जिसमें से हर एग्जाम में साथियों क्वेश्चन बनते हैं, और साथियों बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। देखिए भैया अब बात करते हैं नंबर तीन पर आता है साथियों हमारा एथाइलिन हार्मोन, इसे हिंदी में साथियों इथिलीन लिखते हैं, इथिलीन। कोई मुझे बताएगा साथियों कि जो एथाइलिन हार्मोन है, इस एथाइलिन हार्मोन की खोज किसने की थी, जल्दी जल्दी बताओ कमेंट बॉक्स में। पूछा जाता है साथियों कि भैया एथाइलिन हार्मोन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी, तो याद रखना साथियों वैज्ञानिक का नाम है बर्ग। किस वैज्ञानिक ने की थी साथियों, बर्ग नामक वैज्ञानिक ने भैया एथाइलिन हार्मोन की खोज की थी। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि एथाइलिन हार्मोन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी, तो भैया बर्ग नामक वैज्ञानिक ने की थी, बात क्लियर है। और देखिए गाइज नोट लिखकर एक पॉइंट लिख लेना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एकमात्र हार्मोन, एकमात्र हार्मोन, एकमात्र हार्मोन साथियों जो गैसीय अवस्था में पाया जाता है, एकमात्र पादप हार्मोन लिख सकते हो आप, एकमात्र पादप हार्मोन जो गैसीय अवस्था में पाया जाता है, गैसीय अवस्था में पाया जाता है। जितना इंपॉर्टेंट हो सके साथियों उतना इंपॉर्टेंट लिख लेना। आपसे क्वेश्चन पूछेगा एकमात्र पादप हार्मोन जो साथियों गैसीय अवस्था में पाया जाता है वह कौन सा है, तो याद रखना है साथियों वह है भैया एथाइलिन। कौन सा है साथियों, एथाइलिन है, बात क्लियर है। दो पॉइंट याद हुए, खोज साथियों बर्ग ने की थी, एकमात्र ऐसा हार्मोन साथियों पादप हार्मोन जो गैसीय अवस्था में पाया जाता है वह है साथियों कौन सा, एथाइलिन हार्मोन, जिसे आप इथिलीन भी कहते हो। अब पढ़ते हैं साथियों इसके कार्य क्या है, कार्य इंपॉर्टेंट है। नंबर वन साथियों ये भैया फलों को पकाने में सहायक होता है, फलों को पकाने में सहायक होता है, फलों को पकाने में सहायक होता है,
नोट लगाकर साथियों लिख लेना भैया, प्राकृतिक रूप से, नेचुरल, प्राकृतिक रूप से, नेचुरल तरीके से साथियों ये फलों को पकाने में सहायक होता है। आम है, पहले कच्चा आम होगा, फिर साथियों कच्चा आम पक जाता है, कौन सा हार्मोन पकाता है भैया उस कच्चे आम को? तो ये जो इथिलीन हार्मोन है, जो एथाइलीन हार्मोन है साथियों, ये हार्मोन भैया उस कच्चे फल को पक्के फल में कन्वर्ट करता है। लेकिन किस तरीके से भैया? प्राकृतिक रूप से, क्योंकि प्राकृतिक रूप से हार्मोन है साथियों ये तो पादपों में होता है एथाइलीन हार्मोन। लेकिन साथियों कभी कभी क्या होता है कि इस हार्मोन की कमी हो जाती है, तो भैया होता क्या है, कृत्रिम रूप से पादपों पर साथियों इस हार्मोन का छिड़काव किया जाता है। इस हार्मोन का नहीं, अभी बताऊंगा कृत्रिम हार्मोन कौन कौन से हैं जिससे साथियों फलों को पकाया जाता है। देखिए ये तो है प्राकृतिक रूप से, अब भैया कृत्रिम रूप से बात करते हैं कि भैया कृत्रिम रूप से आर्टिफिशियल तरीके से साथियों फलों को पकाने में कौन कौन सहायक होता है? एसिटिलीन, और एक होता है साथियों कार्बाइड। एसिटिलीन और साथियों कार्बाइड, ये दोनों भैया कृत्रिम रूप से फलों को पकाने में सहायक होते हैं, फलों को पकाने में सहायक होते हैं। अब देखिए आपसे साथियों क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। प्राकृतिक रूप से फलों को पकाने में कौन सहायक होता है? तो इथाइलीन सहायक होता है, जिसे आप इथिलीन भी कहते हो हिंदी में। अगला क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि कृत्रिम रूप से फलों को पकाने में कौन सहायक होता है? तो एसिटिलीन और साथियों कौन है? कार्बाइड है। ये दोनों क्वेश्चन साथियों आपसे पूछे जाते हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये समझ लेना साथियों। ये जो इथिलीन है ये भैया आपके प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए रामबाण साबित होता है, क्योंकि इसके एक एक पॉइंट से साथियों बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनकर निकलते हैं। बात आपको समझ में आ गई? नंबर दो पर देखिए साथियों, जो इथिलीन हार्मोन होता है ये भैया पादपों में श्वसन में सहायक होता है, पादपों में श्वसन में सहायक होता है। पादपों में साथियों जो श्वसन की प्रक्रिया होती है साथियों, उसमें भैया ये एथाइलीन हार्मोन सहायक होता है। आपसे आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन पादपों में श्वसन की प्रक्रिया को बढ़ा देता है साथियों? तो भैया आपका राइट आंसर होगा एथाइलीन हार्मोन। बोलो अब तक आपको क्या समझ में नहीं आया, मुझे ये बताओ साथियों। और देखिए भैया इसका तीसरा कार्य और देख लीजिए, यहां पर बता देता हूं, इसका तीसरा कार्य है साथियों कम समय में अधिक फलों का निर्माण करने में सहायक होता है। ये जो हार्मोन है साथियों यह भैया कम समय में अधिक फलों के निर्माण में सहायक होता है, यह भैया बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा साथियों कि ऐसा कौन सा पादप हार्मोन है साथियों जो भैया कम समय में अधिक फलों के निर्माण में सहायक होता है। देखिए समझते हैं, क्या आपने साथियों प्लांट मोर्फोलॉजी वाला चैप्टर पढ़ा है? अगर नहीं पढ़ा है तो प्लीज आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, पहले वो पढ़ लीजिए ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ सके। देखिए मैंने आपको साथियों पुष्प पढ़ाया था प्लांट मोर्फोलॉजी में, और भैया फल भी पढ़ाया था। उसमें मैंने आपको बताया था साथियों एक भाग होता है मादा पुष्प का, फीमेल ओवरी यानी कि अंडाशय वाला भाग, फीमेल ओवरी, मादा अंडाशय। मैंने आपको बताया था कि इस ओवरी से, इस अंडाशय से साथियों किसका निर्माण होता है? फल का। और फल के किस भाग का? खाया जाने वाला भाग का, खाया जाने वाले भाग का। बात क्लियर है?
बात क्लियर है। और देखिए, मैंने आपको यह भी बताया था साथियों कि जो ओव्यूल होता है, जो डिंब होता है, इससे साथियों किसका निर्माण होता है? इससे भैया बीज का निर्माण होता है। मान लीजिए ये पादप है, इस पर बहुत सारे ये क्या है, फीमेल ओवरी है। अगर आप इथिलीन हार्मोन जो है इसका छिड़काव साथियों, इसका स्प्रे अगर आप इस पौधे पर करते हो, इस प्लांट पर करते हो, तो साथियों ये क्या करता है, बहुत सारी फीमेल ओवरी का निर्माण करता है, बहुत सारी फीमेल ओवरी का निर्माण करता है, जिससे क्या होता है साथियों, अधिक फलों का निर्माण होता है कम समय में। अधिक फलों का निर्माण होता है साथियों कम समय में। बोलो साथियों आपको क्या समझ में नहीं आया? बस इतना सा कि आपको याद रखना है एथाइलीन में, यानी कि इथिलीन हार्मोन में। एक बार और रिवीजन करते हैं, अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है साथियों तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम आपको और अच्छे से समझा सके। पहला क्वेश्चन साथियों गौर से सुनना, किस तरीके से आपकी एग्जाम में, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा जा सकता है साथियों कि जो एथाइलीन हार्मोन है, इस हार्मोन की खोज किसने की? तो साथियों राइट आंसर देना है, बर्ग नामक वैज्ञानिक ने साथियों एथाइलीन हार्मोन की खोज की। देखिए दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है साथियों कि एकमात्र पादप हार्मोन जो साथियों गैसीय अवस्था में पाया जाता है, तो गाइज इसका राइट आंसर होगा एथाइलीन हार्मोन, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि जो एथाइलीन हार्मोन है साथियों, यह भैया एकमात्र ऐसा हार्मोन है जो भैया गैसीय अवस्था में पाया जाता है। तीसरा नंबर का क्वेश्चन क्या आता है साथियों, वो देखिए कि भैया प्राकृतिक रूप से फलों को पकाने में कौन सा पादप हार्मोन सहायक होता है, या फिर कौन सा हार्मोन सहायक होता है? तो गाइज आपको राइट आंसर देना है एथाइलीन हार्मोन सहायक होता है। चौथा क्वेश्चन देखिए साथियों, कृत्रिम रूप से यानी कि आर्टिफिशियल तरीके से फलों को पकाने में कौन सहायक होता है? तो साथियों कौन सहायक होता है, एसिटिलीन और साथियों कार्बाइड, ये दोनों भैया फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में सहायक होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए साथियों, अगला क्वेश्चन क्या पूछता है आपसे आपके एग्जाम में, अगला क्वेश्चन पूछता है कि निम्न में से कौन सा हार्मोन पादपों की श्वसन क्रिया में सहायक होता है? तो राइट आंसर कौन सा होगा, एथाइलीन हार्मोन। या फिर आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है साथियों कि निम्न में से कौन सा हार्मोन पादपों में श्वसन की प्रक्रिया को बढ़ाने में हेल्प करता है? तो भैया एथाइलीन हार्मोन करता है। देखिए साथियों कितने सारे क्वेश्चन हो गए। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है साथियों कि कम समय में अधिक फलों के निर्माण के लिए कौन सा हार्मोन हेल्पफुल होता है साथियों? तो भैया एथाइलीन हार्मोन हेल्पफुल होता है। इतने सारे क्वेश्चन साथियों आपसे आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। ये सभी क्वेश्चन साथियों मैंने आपको जो अब तक मैंने आपको पढ़ाया है साथियों उसी में से ही पूछे होंगे, उसी में से ही पूछे हैं। आशा करता हूं साथियों आपको एथाइलीन हार्मोन बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। अगर आपने कल की वीडियो नहीं देखी है तो जाओ, आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कल की वीडियो देख लीजिए, उसके बाद में साथियों ये वीडियो भी आप, ये वीडियो तो आपने देख ही ली। चलिए अब साथियों हम पढ़ते हैं भैया नंबर चार पर एब्सिसिक एसिड हार्मोन के बारे में। साथियों ये एब्सिसिक एसिड ऐसा हार्मोन है साथियों जो भैया अम्ल की अवस्था में पाया जाता है। आइए इसके बारे में डिटेल में चर्चा करते हैं, पहले से मिटा देते हैं। अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर गाइज आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो यार आपका ही चैनल है, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए आपके छोटे भाई के लिए, क्योंकि साथियों मुझे कोई पैसे तो मिलते नहीं है, क्योंकि अभी तक हमारा चैनल मोनेटाइज हुआ नहीं है। तो आपके प्यार के लिए, मोटिवेशन के लिए कुछ तो करो यार, सब्सक्राइब ही कर दो कम से कम, हम आपके लिए रेगुलर क्लास लेके तो आते रहे। ले लिया भैया स्क्रीनशॉट? देखिए भैया अब बात करते हैं नंबर चार पर साथियों हमारा कौन सा हार्मोन था। तो नंबर चार पर आता है साथियों एब्सिसिक एसिड, एब्सिसिक एसिड, एब्सिसिक अम्ल।
सबसे पहले साथियों मुझे ये बताओ कि भैया एब्सिसिक अम्ल की खोज किसने की, बताओ भैया कमेंट बॉक्स में बताओ। याद रखना साथियों एब्सिसिक एसिड जो हार्मोन है साथियों इसकी खोज की थी भैया एडिकोट नामक वैज्ञानिक ने। एडिकोट किसने की थी भैया? एडिकोट। नोट लगाकर साथियों एक बात लिख लेना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एकमात्र पादप हार्मोन, एकमात्र पादप हार्मोन जो अम्लीय अवस्था में, अम्लीय अवस्था में पाया जाता है, एकमात्र पादप हार्मोन साथियों जो अम्लीय अवस्था में पाया जाता है। देखिए आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एब्सिसिक एसिड हार्मोन की खोज किसने की, किसने की थी? एडिकोट नामक वैज्ञानिक ने की थी। एकमात्र ऐसा पादप हार्मोन साथियों जो अम्ल की अवस्था में पाया जाता है वो है साथियों एब्सिसिक एसिड। बात क्लियर है? बोलो इतनी बात समझ में आई? अब देखिए इसे आइसोलेट कहां से किया गया था साथियों वो बताइए। आइसोलेट पृथक्करण, आइसोलेट आइसोलेशन, पृथक्करण कॉटन से किया गया था भैया, यानी कि कपास से। इतनी बात क्लियर है? बोलो भैया इतनी बात क्लियर है? अब देखिए इसके कार्य के बारे में बात करते हैं। साथियों ये क्या होता है, बीजों को अंकुरित होने से बचाता है। जो आपके बीज होते हैं सीड, उन बीजों को अंकुरित, अंकुरित होने से बचाता है। कब? तो नोट लगाकर बात लिख लेना साथियों, जब घरों में अनाज रखा हो उस टाइम पर। सबसे पहले मुझे ये बताओ साथियों कि ये जो अंकुरित शब्द है ये किस किस को समझ में नहीं आया है कि अंकुरित क्या होता है? बोलो, तब तक बाकी के जो बच्चे हैं लाइक कर दो भैया। अंकुरित क्या होता है? देखिए सिंपल भाषा में बात करूं साथियों, घरों में आपने देखा होगा जो चने होते हैं साथियों उन्हें अगर हम 2-3 दिन तक पानी में रख देते हैं साथियों तो उनसे एक बड निकलना स्टार्ट हो जाती है ग्रीन कलर की, यानी कि साथियों ग्रीन कलर की एक बड निकलना स्टार्ट हो जाती है साथियों। वो जो पादप है यानी कि सॉरी वो जो सीड है साथियों वो पूरा प्लांट बनाने के लिए ही तैयार हो जाता है, यानी कि पूरा पौधा बनाने के लिए ही तैयार हो जाता है साथियों, वो होती है अंकुरित अवस्था। अरे मान लीजिए भैया ये कोई सीड है, अब यहां से कोई बड निकली कुछ इस तरीके से, तो भैया ये पूरा प्लांट बनाने के लिए तैयार है, यही होता है साथियों अंकुरित अवस्था। बात क्लियर है? तो होता क्या है साथियों, ये जो हार्मोन है एब्सिसिक एसिड ये क्या करता है, हमारे घरों में जो बीज रखा हुआ होता है यानी कि जैसे कि गेहूं है, बाजरा है, मक्का है, वो कोई मूंग है, चने हैं, तो साथियों इन्हें अंकुरित होने से बचाता है। क्योंकि मान लीजिए आपने किसी 10 दिन के लिए किसी कमरे रूम के अंदर या किसी होल के अंदर या फिर किसी में भी आपने अनाज रख दिया, आप देखोगे 10 दिन बाद में वो तो पूरा का पूरा ही वहां पर तो पेड़ बन गए, सारे के सारे ही बीज अंकुरित हो गए। तो साथियों बीजों को अंकुरित होने से कौन बचाता है जब घरों पे रखे होते हैं साथियों, तब एब्सिसिक एसिड जो अमल है साथियों, जो हार्मोन है एब्सिसिक अमल जो हार्मोन है ये भैया क्या करता है, बीजों को अंकुरित होने से बचाता है। बोलो पहला कार्य समझ में आया या नहीं आया? बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों, आपसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हमारे ग्रह में बीजों को अंकुरित होने से कौन सा पादप हार्मोन बचाता है।
एब्सिसिक एसिड आएगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे कि भैया ये तो अमल है या हार्मोन कहां से आ गया। तो साथियों गौर से सुनना, एकमात्र ऐसा हार्मोन है साथियों ये जो भैया अमल की अवस्था में पाया जाता है, क्योंकि एग्जाम में साथियों कंफ्यूज करने के लिए इतना सा ही जो एसिड शब्द है ना, ये एसिड शब्द ये काफी है भैया। गौर से सुनना जो मैं पढ़ा रहा हूं, अगर आपको समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, दोबारा क्लास ले लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे पास टाइम बहुत कुछ पड़ा है, मैंने बहुत सारे चैप्टर करवा रखे हैं, जाओ आप देख लीजिए, पूरी जूलॉजी करवा रखी है, कोई एक दो चैप्टर बचे होंगे जिन्हें मैं डिटेल में बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा, इसलिए मैंने छोड़ रखे हैं। चाहे समय लग जाए साथियों, लेकिन आपको बहुत अच्छे से, हाँ मानता हूं मुझे इतना एक्सपीरियंस नहीं है पढ़ाने का, लेकिन भैया बस विश्वास करना आपकी एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, इतनी मैं गारंटी देता हूं। बात क्लियर है? ओके okay. तो याद रखना साथियों, बीजों को अंकुरित होने से बचाता है भैया हमारे ग्रह में जब अनाज रखा हुआ हो तो। पहला कार्य तो ये हो गया। दूसरा कार्य कौन सा है साथियों? पतझड़ के मौसम में पत्तों को नीचे गिराने में कौन सा हार्मोन सहायक होता है? एब्सिसिक अम्ल। पतझड़ के मौसम में, पतझड़ के मौसम में, पतझड़ के मौसम में पत्तियों को नीचे गिराने में सहायक होता है। आपने देखा होगा साथियों, पतझड़ का जब मौसम आता है तो जितने भी पेड़ पौधे हैं साथियों लगभग सभी के पत्ते गिर जाते हैं। कौन सा हार्मोन गिराने में सहायक होता है? एब्सिसिक एसिड। साथियों क्वेश्चन में तो आएगा हार्मोन और साथियों ऑप्शन में आएगा एसिड, आप कंफ्यूज हो जाओगे साथियों। ये दो मुख्य काम है साथियों जो आपसे बार बार आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं भैया, याद कर लेना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये एकमात्र ऐसा पादप हार्मोन है साथियों जो भैया किस अवस्था में पाया जाता है? अम्ल की अवस्था में पाया जाता है। और एकमात्र हार्मोन साथियों जो गैसीय अवस्था में पाया जाता है वो कौन सा है? कमेंट बॉक्स में बताओ। अभी अभी इसी क्लास में पढ़ाया है साथियों, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। खोज किसने की थी? तो भैया एडिकोट नामक वैज्ञानिक ने की थी भैया। एकमात्र ऐसा हार्मोन जो साथियों अम्ल की अवस्था में पाया जाता है, कहां से आइसोलेट किया गया था साथियों? कॉटन से, यानी कि कपास से। साथियों याद क्या करना है आपको, चार पांच ही तो पॉइंट है, यही तो याद करना है। बीजों को अंकुरित होने से बचाता है जब साथियों आपके घरों में अनाज हो और पतझड़ के मौसम में साथियों पत्तियों को नीचे गिराने में सहायक होता है। वापिस कौन लेकर आता है कमेंट बॉक्स में बताओ साथियों, पत्तियों को पतझड़ के बाद में कमेंट बॉक्स में बताना, क्योंकि मैं आपको पढ़ा चुका साथियों, बस सोचने की बात है। तो आज हम यहीं तक रखते हैं, आधे घंटे की क्लास हो गई है, बचे हुए हार्मोन साथियों हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट कर लेंगे और साथियों हो सकता है कल हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाए। उसके बाद में साथियों कोई अच्छा सा टॉपिक आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कौन सा टॉपिक स्टार्ट करना है, क्योंकि जो आपको बायोलॉजी में अच्छा लगे साथियों हम वो टॉपिक स्टार्ट कर देंगे। मैं कोशिका विभाजन वाला चैप्टर लेके आऊंगा साथियों, लगभग 5 से 7 क्लास लगेगी साथियों, बहुत अच्छे से डिटेल में आपने कभी नहीं पढ़ा होगा, पूरी एनसीईआरटी रख दूंगा आपके साथ, मजा आ जाएगा साथियों, देखना पढ़ना एक बार, विश्वास करना साथियों, आप हमारे साथ जुड़िए, बहुत अच्छा अच्छा आपको कंटेंट मिलेगा, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मिलेगा। जो आप पेड कोर्स में लेते हो साथियों वो कंटेंट आपको मैं इस YouTube चैनल पर उपलब्ध करवाऊंगा, बट शर्त मेरी ये है साथियों जुड़े रहिए, विश्वास करिए, जो आप कहोगे वो मैं करने के लिए तैयार हूँ। तो कैसी लगी आपको वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना जिससे आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुँच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।